Let us learn ionic equilibrium. इसमें वी नो व्हाट इज इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इट इज इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिख रहा हूं. इट इज द स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Rf, rate of forward reaction, becomes equal to rate of backward reaction, Rb. Rb मतलब rate of backward reaction. So equilibrium एक stage है जहां पे Rf becomes equal to Rb. अब rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction होने के लिए reaction must be reversible. So equilibrium is only possible. Equilibrium is possible only in case of reversible reaction. क्योंकि reversible को forward reaction भी होगा और backward भी होगा, तभी तो Rf equal to Rb हो सकता है. Irreversible में सिर्फ forward reaction होता है, backward reaction होता ही नहीं है. तो irreversible reaction में equilibrium आएगा ही नहीं. अब ये है ना reversible reactions जो है, reversible reactions, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो डिसोसिएशन रिएक्शन है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन जिसमें ऑब्वियसली डिसोसिएशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें आयन्स आर इन्वॉल्व. आयन्स मतलब कैटायन्स और एनायन्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज एसिड बेस रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं उसमें आयन्स आते हैं, देयर ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन. जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है मतलब उसमें इक्विलिब्रियम आएगा. अभी आयन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखिए है ना, आयन्स इन्वॉल्व है ऐसे रिएक्शंस लेने हैं. कैसे? जो रिवर्सिबल है जिसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका नाम आयनिक इक्विलिब्रियम. इसके लिए ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन्स इन्वॉल्व है और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम. इन शॉर्ट अपने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखना है जो एसिड और बेस में होता है. इसके लिए पहले एसिड्स और बेस का डेफिनेशन देख लेते हैं. जैसे हम लोग ओल्ड या क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देख रहे हैं. क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस का और बेस एसिड का दुश्मन होता है. एसिड को एक एंशंट इंडियन लैंग्वेज है संस्कृत, संस्कृत में एसिड को आम्ल ऐसा कहते हैं और बेस को आमलारी ऐसा कहते हैं. आम्ल प्लस अरी, बेस मतलब आमलारी, अरी मतलब शत्रु, दुश्मन. एसिड बेस एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसके लिए उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं. अब ये क्लासिकल या ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हम लोग देख लेते हैं. मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ. एसिड के लिए कई सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे एसिड इज अ सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, है ना. लिटमस पेपर का कलर ब्लू टू रेड एसिड्स करते हैं, है ना. सेकेंडली एसिड्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे आ सकता है. दे आर सार टू टेस्ट, दे आर सार टू टेस्ट, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. एंड दे न्यूट्रलाइज बेसिस, ऐसे कुछ पॉइंट्स है. फिर बेस, बेस का डेफिनेशन देख लेते हैं. अभी बेस मतलब जनरली ऐसा होता है, इसमें भी जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको अल्कली कहते हैं. वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली. हम लोग बेस देख रहे हैं. सो बेस इज अ सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस
इनटू ब्लू, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्या होता है, रेड टू ब्लू, है ना, ये बेस में होता है। देयर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर बिटर टू टेस्ट, है ना, एसिड्स आर सार टू टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। सार टू टेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर सोया सॉस लिया जिसमें एसिडिक एसिड है, विनेगर जिसको कहते हैं, ऐसा, या आमला होता है, एक फ्रूट है आमला, उसका टेस्ट सार टेस्ट होता है। दे आर बिटर टू टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा, जैसे कॉफी वगैरह होता है वैसे, दे आर बिटर टू टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच। ऐसा है, एंड दे न्यूट्रलाइज एसिड्स। ऐसा सोपी टू टच मतलब सारे डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं ना, बेकिंग सोप भी और डिटर्जेंट पाउडर में वो थोड़ा स्लिपरी लगता है, ऐसा बिटर टू टेस्ट हो रहा है ऐसा। अभी अगर आप देखें ना, ये जो क्लासिकल या ओल्ड कंसेप्ट है, डेफिनेशन जैसा उन्होंने कहा है, लेकिन ये तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, है ना, दिस इज अ ओल्ड कंसेप्ट और क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पर अगर आप देखेंगे कि वो एसिड जो है ब्लू को रेड करता है, बेस जो है वो रेड को ब्लू करता है, लिटमस पेपर को, टेस्ट के बारे में, सार है, बिटर है एंड ऑल, ये प्रॉपर्टीज है, इसको डेफिनेशन नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारे जो डेफिनेशन है दे आर इनएडिक्वेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें से कोई भी डेफिनेशन एसिड या बेस का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन जो पहला अटेम्प्ट किया गया था, उस साइंटिस्ट का नाम है अरहेनियस। तो अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस से पहली बार अपने को एसिड और बेस का स्ट्रक्चर समझा। दिस इज बेसिक थिंग अबाउट द क्लासिकल कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग अरहेनियस थियरी देखेंगे फॉर एसिड एंड बेसिस। ओके, लेट अस सी द अरहेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्लासिकल और ओल्ड कंसेप्ट के बाद ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है। तीन पॉइंट्स है डेफिनेशन ऑफ एसिड। उसमें पहला पॉइंट है एसिड का डेफिनेशन, इट इज द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस एच प्लस आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब एसिड जब वाटर में डिजोल्व होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस एच प्लस आयंस। तो बेस क्या करता है, इट इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस ओ एच माइनस आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर, है ना, सो बेस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव्स ओ एच माइनस। तो एच प्लस यानी एसिड की पहचान है, ओ एच माइनस मतलब बेस की पहचान है। और फिर न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन दिया है अरहेनियस ने, इट इज द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये अरहेनियस का न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है, जो उसने बाद में करेक्ट किया। तो करेक्टेड डेफिनेशन भी मैं आपको दूंगा, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा है एसिड्स में दो कैटेगरी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मींस वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें H प्लस ये जो होती है HCl aqueous, जनरली HCl गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका डिसोसिएशन एक्चुअली इरिवर्सिबल होता है, लेकिन एक्वा मतलब बहुत सारा वाटर ऐड करेंगे तो फिर रिवर्सिबल लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने रिवर्सिबल लिखा है, रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम आएगा और आयन्स है, इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शंस आएंगे। H2SO4 इज गिविंग अस 2H+ एंड SO4- 2 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब बिलो 200 आपको ये रिएक्शन मिलेगा, नहीं तो बाइसल्फेट आयन भी मिल सकता है, लेकिन ये रिएक्शन जनरली लिखा रहता है 2H+ एंड SO4-2। आप फर्क देख सकते हैं, ये एक H+ दे रहा और यहाँ पे 2H+ है। तो HCl जो है वो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयंस उसका 1 है, इसके लिए HCl इज अ मोनो बेसिक एसिड। HCl इज अ मोनो बेसिक एसिड, उसका n फैक्टर 1 है। n फैक्टर मतलब क्या, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, है ना, जो कितना दे रहा है, ओनली 1। वेरस H2SO4 क्या है, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड क्यों, उसका n फैक्टर 2 है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस 2 है। ये वापस, ये मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ऐसा भी होता है। यू सी वीक एसिड्स है, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, weak acids are weak electrolytes, right? जिसमें ये acetic acid, in fact all the carboxylic acids are always weak electrolytes, सारे mineral acids, HCl, H2SO4, वो सब strong acids।
और कार्बोक्जिलिक एसिड, मतलब जो तीन स्ट्रॉन्ग दिए ना उनको छोड़ के जो भी है सारे वीक एसिड्स है. इट इज दैट इजी टू रिमेम्बर. उसका डिसोसिएशन ये सब आपको मालूम है, आप देख ही रहे हैं आयन्स है, करेक्ट है ना, ये ऐसा कार्बोनिक एसिड है. तो ये क्या हो गया डाई बेसिक एसिड है ना, ये क्या हो गया मोनो बेसिक एसिड. ऐसा आपको पूछा जाता है कि इस एसिड का, सपोज मैंने पूछा कि इस एसिड का बेसिसिटी कितना है. बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस, एन फैक्टर इज वन, क्योंकि वो मोनो बेसिक है, एक ही एच प्लस है. इस एसिड का बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस कितना है, दो, तो इसका बेसिसिटी इज टू, इट इज अ डाई बेसिक एसिड. ये जो है फॉस्फोरिक एसिड, इसका बेसिसिटी कितना है, थ्री इज द आंसर, बिकॉज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस इज थ्री. तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड. ये सारे वीक एसिड्स, तो उसके अपोजिट स्ट्रॉन्ग बेसिस देखते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस अगेन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दो ही एग्जांपल है, NaOH एंड KOH, विल डिसोसिएट एज Na प्लस OH माइनस, दिस विल डिसोसिएट एज K प्लस एंड OH माइनस, करेक्ट ना. और इसका फेमस नेम, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, कॉस्टिक सोडा. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फेमसली कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज फेमसली कॉल्ड एज कॉस्टिक पोटैश, याद रखना. तो ये हो गया, और ये हो गया वीक बेसिस. वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगेन दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, NH4OH है विच विल डिसोसिएट एज NH4 प्लस एंड OH माइनस. COH राइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, CA प्लस टू एंड टू OH माइनस. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड A प्लस टू एंड थ्री OH माइनस. अभी यहाँ पे भी इसका आपको बेसिस का जो होता है वो एसिडिटी पूछते हैं. Now what is acidity of a base? Acidity of base is number of replaceable OH minus ions. तो ये जो है दोनों भी कितने OH minus दे रहे हैं, एक. तो ये mono acidic base है. आपको पूछेंगे कि इसका acidity कितना है. Acidity मतलब number of replaceable OH minus ions is only one. So ये दोनों भी mono acidic base है. ये भी mono acidic base है. ये di acidic base है. ये tri acidic base है. Correct ना, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं. ये इनके n factor है. अब आप डेफिनेशन इजीली देख सकते हैं. अरेनियस में एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस. ये एसिड है कि नहीं, एसिड इज अ सब्सटेंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, मैंने एक्वा लिखा है, एक्वा मतलब वाटर, प्रोड्यूसेस व्हाट, एच प्लस आयंस, करेक्ट ना. एसिड इज अ सब्सटेंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब विच वेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस एच प्लस आयंस. तो व्हाट इज अ बेस, ये सारे बेस वेन डिजॉल्व इन वाटर दैट इज इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, OH माइनस आयंस, करेक्ट. दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ acid and base according to Arrhenius theory. But what is neutralization? Acid plus base gives salt plus water. Those are ion exchange reactions. That is neutralization reaction. Okay, let us first see the new or modern definition of neutralization reaction, which was given by Arrhenius only. इसने अपना पुराना definition में थोड़ा correction किया. So what is the new definition? Neutralization is a reaction in which H plus ions of strong acid reacts with OH minus ions of strong base, strong acid or strong base सिर्फ to produce unionized butter molecule. ये definition है, मतलब क्या, example से देखते हैं. This is a strong acid, HCl, मैंने already बताया, HCl is a strong acid, which is a strong electrolyte. NaOH is a strong base, हमने example में देखा है, तो it's a strong electrolyte. This is a salt, all pure salts are strong electrolytes, Se. So Se को कैसे पढ़ेंगे आप, strong electrolyte. These are all strong electrolytes. And this is a weak electrolyte. इसका dissociation ज़्यादा नहीं होता है. Water in its pure form actually is a bad conductor of electricity. It's a weak electrolyte. अभी next step पर dissociation लिखूँगा. Very importantly, listen carefully. जो strong electrolyte है, उनका dissociation होता है बहुत ज़्यादा. इसके लिए तो strong है. जो weak है, उसका dissociation होता नहीं है. तो मैं strong वालों का dissociation कर रहा हूँ. How this will dissociate? It will dissociate as H plus aqueous, Cl minus aqueous. Can you see that? है ना? HCl का डिसोसिएशन है, H प्लस और Cl माइनस प्लस. ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका भी डिसोसिएशन होगा. Na प्लस aqueous एंड OH माइनस aqueous. ये पैरों की तरफ मैं aqueous लिख रहा हूँ, ऐसा रिवर्सिबल. ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएट होगा Na प्लस aqueous और Cl माइनस aqueous. और वाटर अनायोनाइज भी रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा ये डिसोसिएशन है. Now third, next step is cancellation of common ion. कौन से common ions है, Na plus और Na plus, तो ये cancel हो जाएगा, Cl minus भी cancel हो जाएगा. तो क्या बचा, इधर H plus बचा strong acid का, OH minus बचा strong base का,
और इस तरफ बचा वाटर, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन, वापस देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या. इट इज अ रिएक्शन इन विच एच प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रोड्यूस अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल. सो ये मॉडर्न डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट अरेनियस थियरी. लेकिन अभी उसका लिमिटेशंस बाकी, अरेनियस बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो हम लोग लिमिटेशंस देख लेते हैं. मैंने लिखा है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थियरी. पहला वाला, इट कुड, मतलब अरेनियस थियरी कुड एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक और इवन न्यूट्रल नेचर ऑफ सब्सटेंस ओनली इन इट्स एक्वियस स्टेट एंड नॉट द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ. मेरे कहने का मतलब ऐसा है, HCl गैस गैशियस फॉर्म में भी एसिडिक होता है, लेकिन अरेनियस को अगर आप पूछेंगे कि HCl गैस का नेचर क्या है, तो बोलेगा मुझे मालूम नहीं, पहले HCl गैस को वाटर में डालू फिर मैं बता पाऊंगा. वाटर मतलब एक्वियस. तो सब्सटेंस का जो एक्वियस सोल्यूशन है ना, उसमें ही सिर्फ अरेनियस बचा सकता है कि वो एसिडिक ही बेस है, लेकिन ये तो लिमिटेशन है. दूसरा लिमिटेशन, H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इट एक्चुअली एग्जिस्ट एज H3O+ हाइड्रोनियम आयन. उसका कुछ बात ही नहीं किया अरेनियस थ्योरी में, किधर भी उल्टा अरेनियस तो बोलता है कि एसिड H+ देता है. अभी लकीली थैंकफुली H+ का और H3O+ का केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, इसके लिए वो डेफिनेशन डिस्कार्ड नहीं हुआ. लेकिन H3O+ उसने बताना चाहिए था कि H+ एग्जिस्ट एज H3O+, जो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, लिमिटेशन नंबर टू है. तीसरा, सब्सटेंसेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया या मिथाइल अमाइन, सारे अमाइन्स एक्सेट्रा डू नॉट हैव OH-. आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में OH- नहीं है, बट आर स्टिल बेसिक इन नेचर. ऐसा क्यों है? अरेनियस बेस होने के लिए तो सब्सटेंस में OH- होना चाहिए, NaOH, KOH, NH4OH. अब अमोनिया के पास NH3 OH- नहीं है, अमाइन्स में कहीं पर भी OH- नहीं, फिर भी वो बेसिक है. ऐसा क्यों? इसका, इस सवाल का जवाब अरेनियस के पास नहीं है, तभी तो वो लिमिटेशन है. फिर गैसेस लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड SO2 इन देयर गैशियस फॉर्म और एसिडिक नेचर. ऐसा क्यों है ना, इवन इन देयर गैशियस फॉर्म ऐसा क्यों है? इसका आंसर अरेनियस के पास नहीं है, है ना, उसका तो एक्वियस सॉल्यूशन ही चाहिए. फिर सॉल्ट्स है, सॉल्ट जैसे AlCl3. अब ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट का नेचर एसिडिक है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर अरेनियस के पास नहीं है. फिर ये लिखा है, चेंज ऑफ सॉल्वेंट कुड चेंज द नेचर, मतलब HCl गैस जो है उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे. यू सी दिस, HCl गैस है, वाटर सॉल्वेंट है, तो उसका नेचर क्या है? एसिडिक है. लेकिन वही HCl गैस अगर आप बेंजीन में डालेंगे तो नेचर चेंज हो गया न्यूट्रल. तो चेंज ऑफ सॉल्वेंट से नेचर चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ भी अरेनियस ने एक्सप्लेन किया नहीं, वो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन देखता है. ये इसका मेजर लिमिटेशन है, दीज आर लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी. और अरेनियस कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसके लिए फिर बेस्ट कंसेप्ट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड से भी बेहतर लुईस कंसेप्ट है, जो आगे हम लोग देखेंगे. ओके, वी हैव लर्न्ड इन द लेक्चर 1 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस. वी हैव ऑल्सो सीन द लिमिटेशंस, दैट वाज द लास्ट लेक्चर. नाउ टुडे हियर वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अरेनियस में कई सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं था, जैसे H+ फ्री स्टेट में हो नहीं सकता है, तो एसिड का डेफिनेशन डाउटफुल था, या OH- नहीं होगा फिर भी बेस हो सकता है, जैसे अमोनिया बेस क्यों है, HCl गैशियस फॉर्म में एसिड कैसे हो सकता है, क्योंकि अरेनियस सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन की बात करता है. तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो अरेनियस में नहीं मिले, उसका आंसर लॉरी ब्रॉन्स्टेड में मिलेगा. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के 3 पॉइंट्स हैं, पहला डेफिनेशन ऑफ एसिड, फिर बेस, और फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये ऐसे 3 है, तो ये थ्योरी है. इस कंसेप्ट में एसिड का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज अ मॉलिक्यूल और आयन. एसिड क्या हो सकता है? या तो मॉलिक्यूल या आयन. मॉलिक्यूल और आयन, वो क्या करता है? विच डोनेट्स अ प्रोटॉन. इसका मतलब एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. तो बेस एग्जैक्टली उल्टा है, ये डोनर रहेगा तो कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, इसलिए बेस. इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल और आयन विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन. तो बेस क्या हो गया? अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. अब ये तीसरा एक कंसेप्ट दिया, इट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब क्या होता है? इट इज द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ प्रोटॉन.
मतलब क्या हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिएक्शन लिखा है, एच सी एल गैस प्लस अमोनिया गैस गिव्स एन एच फोर प्लस एंड एच सी एल माइनस। तो एच सी एल में से ये जो एच प्लस है वो जा रहा है ऐसा, ये यहाँ पे मैंने एरोड यहाँ पे निकाला ऐसे, तो एच प्लस इसका निकल के जा रहा है और ये एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। एच प्लस मतलब प्रोटॉन, तो ये हो गया प्रोटॉन डोनर और ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब ये एसिड है और ये बेस है। तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एन एच फोर प्लस ऑब्वियसली है ना, और इसमें से H प्लस जाएगा तो क्या बचेगा सी एल माइनस, ऐसा तो प्रोडक्ट बना है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोटॉन डोनर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद प्रोटॉन ही नहीं है, तो इसमें से प्रोटॉन जाएगा करेक्ट ना, और उल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में अभी बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट्स, ये प्रोटॉन डोनर हो गया मतलब एसिड और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब बेस। अब ये 1 2 2 1 ऐसा मैंने लिखा है, एसिड बेस एसिड बेस 1 2 2 1, इसमें 1 1 का जोड़ी जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नंबर 1 है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नंबर 1 एच सी एल और सी एल माइनस, मतलब 1 1 की जोड़ी जिसके पैरों की तरफ 1 है वो ऐसा एच सी एल और सी एल माइनस। देखो तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो लिखा है उसका डेफिनेशन क्या बताया था, इट इज अ पेयर ऑफ एसिड विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ प्रोटॉन। देखो तो इन दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा इसके पास कम, और दूसरा पेयर कौन सा है 2 2 का जोड़ी ये, तो कॉन्जुगेट एसिड एन एच फोर प्लस इसका ये बेस एन एच थ्री ये बेस हो गया करेक्ट नॉट, ये ऐसा इन दोनों में भी एक प्रोटॉन का फर्क है करेक्ट। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा देख लो, यू कैन सी दिस, वाटर प्लस अमोनिया गिव्स एन एच फोर प्लस ओएच माइनस। तो यहां से प्रोटॉन जाएगा, तो ये प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब बेस, एक्सेप्ट करेगा तो एन एच फोर प्लस मिलेगा, इसमें से प्रोटॉन जाएगा एच प्लस बॉटम में से तो ओएच माइनस बचेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोटॉन डोनर है इसके लिए ये एसिड है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसके लिए बेस। वापस इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा आएगा, 1 1 का जोड़ी, मतलब पहला पेयर कौन सा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O एंड है ना 1 और बेस 1 मतलब OH माइनस। देखो तो एक प्रोटॉन का फर्क है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर करेक्ट। दूसरा कौन सा होगा 2 2 का जोड़ी, मतलब ये एसिड पहले लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस कहते हैं, तो पहले एसिड लिखना चाहिए एन एच फोर प्लस एंड दूसरा 2 वाला एन एच थ्री, इन दोनों में भी एक प्रोटॉन का फर्क है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए एच सी एल है ना, ये एसिड है वो तो श्योर है, लेकिन कैसे कहना चाहिए, एच सी एल इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सी एल माइनस, वेरस बॉडी सी एल माइनस, सी एल माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच सी एल, ऐसा पढ़ते हैं। ये एसिड है लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, एन एच फोर प्लस इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एन एच थ्री, एंड वॉट इज एन एच थ्री, इट्स अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एच फोर प्लस, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पे वॉटर, वॉट इज वॉटर योर एसिड, सो इट्स अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ओ एच माइनस, वेर एज ओ एच माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वॉटर। यहाँ पे एन एच फोर प्लस अगेन इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एन एच थ्री, एन एच थ्री इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एच फोर प्लस। यू सी वन मोर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे एच सी एल प्लस एच टू के और इसमें से प्रोटॉन जा रहा है, ये प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब बेस, ये एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा एच थ्री ओ प्लस, एन यू सी दैट एच थ्री ओ प्लस, और इसमें से एच प्लस जाएगा तो सी एल माइनस बचेगा ऐसा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड और ये एक्सेप्ट कर रहा है, यू कैन सी मैंने प्रोटॉन डोनेट ये एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस है ना, तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, 1 1 का जोड़ी, मतलब एच सी एल एंड सी एल माइनस, एच सी एल एंड सी एल माइनस, एक प्रोटॉन का फर्क है, और दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है 2 2 का जोड़ी ये और ये, सो इसके लिए पहले एसिड लिख रहा हूँ एच थ्री ओ प्लस एंड एच टू ओ करेक्ट ना, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एग्जाम्पल 2 और 3 मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है, आप देख सकते हैं वॉटर का ड्यूअल नेचर यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ड्यूअल नेचर मतलब क्या, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर मतलब वॉटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, इस रिएक्शन में वॉटर एसिड है जबकि इस रिएक्शन में वॉटर बेस है, तो वॉटर का ड्यूअल नेचर है, वो एसिड भी हो सकता है और बेस भी, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर भी हो सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होगा है ना, इसके लिए वॉटर का ड्यूअल नेचर है, वॉटर एसिड भी है और बेस भी, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट।
और लॉरी फ्रॉम स्टेट कंसेप्ट में एक और एक चीज आता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन. न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन हम एग्जांपल से समझ सकते हैं. ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. अकॉर्डिंग टू लॉरी फ्रॉम स्टेट, वॉट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस. अरेनियस में क्या था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वॉटर. लेकिन लॉरी फ्रॉम स्टेट में क्या डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लॉरी फ्रॉम स्टेट, यू कैन सी हियर, it's a reaction in which acid reacts with base to produce its conjugate acid and base. ye neutralization ka definition hai according to Lowry Bronsted. ab Arrhenius ye explain hi nahi kar raha tha ki gaseous substance gaseous form mein bhi acid ho sakte hai, kyunki Arrhenius ke liye substance ka aqueous hona zaruri tha, lekin yahan pe wo explain ho gaya. dekho HCl gas hai, ammonia gas hai, aur HCl gaseous form mein bhi acid hai, ammonia hai na, it's a gas. तो ये एक्सप्लेन हो रहा है. हाइड्रोनियम आयन, यू कैन सी हियर, हाइड्रोनियम आयन जैसा कुछ दुनिया में हो सकता है ना, ये अरेनियस ने बताया नहीं था, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एक्सप्लेन किया है. इसके लिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो है वो अरेनियस से बेहतर है. अरेनियस गलत है ऐसा नहीं, जो अरेनियस एक्सप्लेन कर नहीं पाए वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने इधर एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज बेसिकली लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद एग्जाम्पल. इसके अलावा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे पहचानते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं. अब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं. ये फेवरेट क्वेश्चन है लॉरी ब्रॉन्स्टेड से रिलेटेड. ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH माइनस, कैन यू सी दैट, OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड आपको पहचानना है. या तो फिर ऐसा, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस. तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं. मैं ओ एच माइनस यहाँ पर रिएक्टेंट्स में लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देना चाहिए, ओ एच माइनस एक्वेस ऐसा. और यहाँ पे आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो ये एसिड लिख देता हूँ. अगर ये एसिड है तो फिर ये बेस होना चाहिए. अब बेस का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखते हैं. आइए जस्ट सी, बेस का डेफिनेशन हमने देखा है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड. व्हाट इज इट, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना, उसका ही यूज करता हूँ. कम यू, अगर ये बेस है तो बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन मतलब H प्लस, ये प्रोटॉन निकल, और एक्सेप्टर मतलब इसमें ऐड होगा, ये हो गया. तो ये बेस है, बेस क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर. अब लिटरली ऐड करो, ओ एच माइनस में H प्लस ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, एच टू ओ ही मिलेगा, है ना. एच प्लस एंड ओ एच माइनस गिव्स यू वाटर, तो वाटर क्या हो गया, ओ एच माइनस का कॉन्जुगेट एसिड. ये आपका आंसर है, इट इज दैट सिंपल, है ना. अब यहाँ पे देखते हैं, वट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ओ एच माइनस. पहले क्या करते हैं हम लोग, ओ एच माइनस रिएक्टिंग में लिखते हैं, और प्रोडक्ट में अभी आंसर में आपको क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए. तो यहाँ पे मैं बेस लिखता हूँ, जो आपको ढूंढना है ये फाइंड आउट करना है. अगर यहाँ पे बेस चाहिए तो ये एसिड हो गया. और वट इज एसिड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जस्ट सी द डेफिनेशन प्लीज. हियर एसिड लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या है, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन डोनर, तो देखते हैं यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनेट करेगा. प्रोटॉन कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन H प्लस लिखेंगे, और इसमें से डोनेट मतलब माइनस होता गया, ये प्रोटॉन डोनर. इसमें से H प्लस गया ओ एच माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, O माइनस टू, लिटरली H प्लस माइनस करना है. तो ये हो गया बेस, कॉन्जुगेट बेस ओ एच माइनस का, है ना. इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपको अलग अलग पूछ सकते हैं. दिस आर फेवरेट क्वेश्चंस, है ना. जैसे यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सब्सटेंस चेंज करता हूँ, ओ एच माइनस की जगह पे अमोनिया ले लेते हैं. ओ एच माइनस का भी ड्यूअल नेचर यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, यहाँ पे भी अमोनिया ले लेते हैं ऐसा. तो अमोनिया का ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन हो रहा है ना. ये रिएक्शन मैं अभी हटा देता हूँ. ओके, वापस क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3. तो पहले NH3 लिख देते हैं यहाँ गैसियस फॉर्म में, और इसके आंसर में अब इसका आपको कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए. मतलब ये क्या हो गया, बेस, है ना. बेस क्या करता है, ये मैंने प्रोटॉन लिखा है ना, ये प्रोटॉन लिख रहा हूँ. बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो एक्सेप्ट करो NH3 में NH4 NH3 में एच प्लस ऐड होगा तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली एन एच फोर प्लस. तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये आपका आंसर है.
अब यहाँ पे क्या है, वॉट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वॉट एन एच थ्री, तो पहले एन एच थ्री यहाँ पे लिख देते हैं, और इसका आपको भी क्या चाहिए, बेस, कॉन्जुगेट बेस चाहिए, मतलब ये खुद हो गया एसिड। अब एसिड क्या करता है एज पर द डेफिनेशन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनर, मतलब इसमें से प्रोटॉन माइनस होगा, तो एन एच थ्री में से एच प्लस गया, आपको क्या मिलना चाहिए, वॉट यू शुड गेट, है ना, मतलब लिटरली उसका भी आइडिया होता है एक्चुअली, ये एन एच थ्री है, इसमें से एच प्लस मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका नेट चार्ज डिफरेंस माइनस वन प्लस वन, मतलब माइनस वन लेना चाहिए, जैसे मैथ्स में होता है माइनस वन प्लस वन, अगर हम लोग लेते हैं माइनस प्लस तो माइनस होना चाहिए, और इसके सिर पे जीरो है, तो जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन, और हाइड्रोजन जाएगा तो यू विल गेट एन एच टू माइनस, ये आयन मिलता है, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया इसका, तो अमोनिया भी ड्यूअल नेचर दिखा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, ये नीट के लिए फेवरेट क्वेश्चंस। बेस का सबसे लेटेस्ट थ्योरी देखते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसा उसका नाम है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एसिड का, इट इज द केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज मतलब केमिकल सब्सटेंस, क्या हो सकता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस थियोरी में एटम भी कवर हो रहा है, जो लॉरी ब्रॉन्सटेड में नहीं हो रहा, लॉरी ब्रॉन्सटेड में सिर्फ मॉलिक्यूल और आयन ही था रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे एटम भी कवर हो रहा है, इसके लिए परफेक्ट थियोरी है। और ये एटम हो या मॉलिक्यूल, या और लिखा है मॉलिक्यूल हो, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक से देखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब दो चार छः जोड़ी में करते हैं, तो ही उसको एसिड कहा जाएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है एसिड क्या है, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो बेस वो उसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा, इट इज द केमिकल स्पीशीज एटम आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो बेस क्या करेगा, डोनेट, इसके लिए बेस इज अ एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कैसे होता है, ये मैंने लिखा है यूरिक एसिड एग्जाम्पल में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम जो है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से AlCl3 एसिडिक होगा, कैसे देखते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यहाँ पे सेंटर में मैं एल्यूमिनियम निकाल रहा हूँ, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ, और जो दूसरा आइटम है वो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ये एक क्लोरीन आया, इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5 और 6 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अभी आप हर क्लोरीन के बारे में सोचते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 क्रॉस और 1 डॉट ये हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम का आप देखेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, इट विल एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, मतलब ये क्या हो गया, एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब एसिड हो गया। तो बेस का एग्जांपल देखते हैं, ये लुईस बेस के लिए PCl5 लिखते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, तो फॉस्फोरस यहाँ पे निकल रहा हूँ, ये फॉस्फोरस, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा हूँ, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और 5 क्लोरीन आएंगे, हर एक क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, इसमें से सिर्फ 7वां इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोरस का देखो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इट विल डोनेट पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? बेस। तो बेसिकली सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो इसके हिसाब से ये हो गया लुईस एसिड, AlCl3 क्या हो गया? लुईस एसिड, क्योंकि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जबकि PCl5 में सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसके लिए पूरा PCl5 बेसिक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, वो भी देख लेते हैं। आई जस्ट इरेज दिस। से पहले इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। अभी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? एसिड हो सकता है, मतलब पेयर में एक्सेप्ट करेगा। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब सारे कटायंस जो है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब कटायंस, है ना, जैसे Ca+ हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करेगा और आपको Ca देगा। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस विल एक्ट एज व्हाट एसिड, व्हिच एसिड? लुईस एसिड। दिस इज सपोज टू बी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने कहा, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब सारे कटायंस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, एंड देयर ऑल दे विल एक्ट एज लुईस एसिड, दे विल एक्ट एज लुईस एसिड। इसका उल्टा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब अगेन लविंग, और ये क्या है? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या होगा? जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब सारे अनायंस जो है ना, जैसे Cl- और इसका जोड़ी निकलता, तो ये Cl2 में होगा, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 में बनेगा। अब ये लॉस हो रहा है, व्हाट इज इट? इट इज डोनेटिंग, है ना, डोनेट कर रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इट हैज टू बी अ, इट हैज टू बी अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। सो न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? दे आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज, उनको अच्छा लगता है, इसका मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो दे विल एक्ट एज व्हाट? लुईस बेस। These are examples of Lowry Brown's this thing, your Lewis concept, Lewis concept of acid and base, उसका है। इसके अलावा और एक छोटा पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है लुईस कंसेप्ट के हिसाब से? इट इज नथिंग बट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है ना, वो जो रिएक्शन है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, है ना। डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट। द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, सो हियर वी गो, जस्ट सी। Neutralization according to Lewis concept, ये simple सा definition है। It is formation of coordinate covalent bond or dative bond. So इसका मतलब, definition का मतलब ऐसा है, जब कभी भी कोई reaction होता है जिसमें coordinate covalent bond form हुआ या dative bond form हुआ, मतलब वो reaction neutralization reaction। कैसे? उसका एक example देखते हैं। Let's see formation of ammonium ion. अमोनियम आयन मतलब NH4+, ये कैसे फॉर्म होता है? तो बेसिकली अमोनिया और H+ का कॉम्बिनेशन है,
अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5 है। नाइट्रोजन अपने 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 3 यूज करता है अमोनिया फॉर्म करने के लिए। ये नाइट्रोजन हो गया, उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ऐसा है, दिस इज लोन पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। तो अभी हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन अमोनिया के खुद के और उनका इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डॉट क्रॉस वाला कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अभी इसके पास एक्स प्लस अप्रोच करेगा, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल होने के लिए उसको बॉन्ड फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अभी फिलहाल क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है अभी जो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दे देगा। इसके लिए जो बॉन्ड फॉर्म होगा ऐसे, ये पहले जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो डैश से दिखाते हैं और ये बॉन्ड आएगा एरो से, ये ऐसा, ये इसके साथ क्या हुआ, एरो से जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड में लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसा। और इसके बदले में हाइड्रोजन अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन को देता है, ये NH4 प्लस फॉर्म हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और हाइड्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये आपका हो गया लुईस एसिड और ये हो गया लुईस बेस। तो जहां कहीं भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस एक्चुअली इज द डेफिनेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है।